बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं आना प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल। वर्ल्ड कप का एक और मैच आज खेला गया, नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान। नेदरलैंड्स ने पहले टॉस जीता और फिर मैच हार दिया। न्यूजीलैंड ने कहा अफगानिस्तान भाई आप बैटिंग करें, जो कुछ आपको करना है खुद करें। नहीं बल्कि हम बैटिंग करेंगे, खुद ही बैठ गया, खुद ही बैठ। इस मैच पर बात करेंगे मगर कल का मैच बहुत भारी है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। ज्यादा वक्त हम उस मैच पर लगाएंगे आज, क्योंकि कल पाकिस्तान उस मैच पर वक्त लगाए ना लगाए कुछ नहीं पता। इमरान आपसे स्टार्ट करूंगा, कल डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के दरमियान। आपसे सवाल पूछने से पहले क्राउड को आप सबका इंट्रोडक्शन करा दूं। नहीं, रिवायत है, रिवायत मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट का एक मायानाज नाम, अब्दुल रज्जाक। वाह वाह लड़के, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाईजन ये तहरीक आजादी के मेंबर नहीं है, क्रिकेट टीम के मेंबर। इनके साथ मौजूद वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्मर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर। और इन दोनों के साथ मौजूद है एक ऐसे प्लेयर जिनको हम वर्ल्ड कप में बहुत मिस कर रहे हैं, द ग्रेट इमाद सिंह। भाईजान आप दो लड़के काली शर्ट्स पहने हुए, इसलिए मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा। कल न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान है, दो मैचेस न्यूजीलैंड हार चुकी है। पाकिस्तान थोड़ा बहुत मोमेंटम लेकर आ रहा है आफ्टर बांग्लादेश मैच। क्या कहेंगे कल का मैच, किस प्रोबेबिलिटी पे चलेगा? प्री क्वार्टर फाइनल, सच और हक मेरी नजर में प्री क्वार्टर फाइनल है, ठीक है, और नॉकआउट गेम है मेरी नजर में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए ज्यादा है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास चांस है। मुझे ऐसा लगता है कि कल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। रजाक भाई आपकी रूहानी ताकतें क्या कहती हैं? देखिए डे मैच है और पाकिस्तान के लिए ये पहला डे मैच है, तो ये देखना पड़ेगा और पिच के मुताबिक इनको खेलना पड़ेगा। ये वाली पिच नहीं है 280-290 वाली पिच नहीं है, नहीं है, बड़ी पिच है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले डे मैच खेल चुकी है, 383 वो स्कोर कर चुकी है, अल्लाह तौबा, और 389 वो चेज कर रहे थे। ये सब गलत है, गलत मतलब गलत बात नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन इनको फिर उसी तरह खेलना पड़ेगा, डे मैच में ऐसे ही है, 350-400 का टारगेट जैसे भी हो, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, इन्होंने चेज भी करना है और डिफेंड भी करना है। 350 से ऊपर का टारगेट हर हालत में जरूरी है, जरूरी है, ये क्रिकेट है, क्योंकि डे में एक तो मूवमेंट कम होती है और आपको बल्ले पे बहुत बड़ा अच्छा आ रहा होता है। कि हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देख लिया है, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि 10 ओवर बड़ा इजी है करना, तो पाकिस्तान को भी ऐसे खेलना पड़ेगा, फखर को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और लंबे छक्के भी लगाने पड़ेंगे। आमिर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान कल का मैच डू एंड डाई नॉकआउट मैच है ऑलमोस्ट, कल हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान को अगर आज आपने दो चार अल्फाज में कल के मैच की मोटिवेशन देनी है तो क्या देंगे? आई थिंक कल जैसे नथिंग टू लूज होता है वैसे आपको खेलना पड़ेगा, जो आता है या जो प्लान्स हैं। आई थिंक कल अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कल आपको एक्स्ट्रा फोकस होके जो है वो खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कल दोनों टीमों पे एक जैसा प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, अगर वो हार गए तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि फिर अफगानिस्तान के चांसेस ओपन हो जाते हैं। आई थिंक डू एंड डाई सिचुएशन है, जैसे डे गेम है मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, अगर सुबह का गेम है तो अर्ली ऑन माइट भी जो मॉइस्चर वगैरह हो, और डे का गेम होगा मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ फर्क पड़ेगा विकेट पे, तो जो भी अर्ली ऑन मॉइस्चर है अगर आप ऊपर से उनके आउट करते हैं, क्योंकि उनका जो ओपनिंग जोड़ी है वो रन्स कर रहे हैं, अगर आप उनको अर्ली ऑन आउट कर सकते हैं तो न्यूजीलैंड स्ट्रगल में आ और हाँ थोड़ी इंजरीज का भी शिकार है न्यूजीलैंड। बात ये करूंगा आपसे, तीनों से स्टार्ट करूंगा, पहले हिमाद से पूछूंगा, तीन चार बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं उनके बारे में पूछूंगा। लेट्स से कल बाबर को अगर आपने एक चीज बतानी हो कि बाबर कल ये नहीं करना तो क्या नहीं करना? काफी ज्यादा चीजें, कल डर के नहीं खेलो, डर के नहीं खेलो, ठीक है, अच्छी बात है, ये डर के तो नहीं खेलना। रजाक भाई आप कोई दूसरी बात बताएं, शाहीन को कल क्या नहीं करना? देखिए शाहीन को पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शाहीन को हिट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जब ये ओवर ट्राई करता है ना विकेट लेने की तब ये रन देता है, तो अपनी लिमिट में रहे और पिच के मुताबिक बॉलिंग करे, अवैधी बैट्समैन खिलाए, क्योंकि इसका इसको चेक करना ना जज करना बहुत मुश्किल है। बैट्समैन जो भी इसको ट्राई करेगा, क्योंकि इसमें स्लोवन बड़ा अच्छा है, बाउंसर भी अच्छा है,
जब बैट्समैन चांस लेगा तब इसके पास अपॉर्चुनिटी है विकेट लेने की। ठीक है, उससे चांस ना ले। अच्छा, खुद से चांस नहीं बनाते शाहीन, आप ये कह रहे हैं? जी जी, खुद से नहीं लेना, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी है ना, आप नाइट में बॉलिंग नहीं कर रहे ना। वेरी वेल पुट। एक सेकंड, मैं आमिर के पास पहले सजेशन ले लूं। आमिर, बाबर और शाहीन दोनों को क्या नहीं करना? बाबर को आई थिंक थोड़ा सा फ्रीडम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसको एक प्रेस या पब्लिक की सपोर्ट है, तो आई थिंक एक फ्री ऑफ माइंड से खेलना पड़ेगा। और कप्तानी में कल गलतियों की गुंजाइश, कप्तानी में कल को गलत ही नहीं करती। मुझे मैं सिर्फ दो चीज़ों पे जल्दी से फोकस करूंगा। एक, कि पहले जो 3-4 ओवर है ना, उसमें विकेट लेने जाएं, कोशिश करें, मतलब अब मुझे नहीं पता इफ्तिखार से करें, लेकिन विकेट ऑप्शन ज़्यादा रखें, और पहले के जो 3-4 ओवर है ना बैटिंग में, वो सर्वाइवल मोड में जाए और उसके बाद अटैक करें। ऐसा कल बाबर को ऐसा अगर कोई आइडिया दे कि यार कल हारिस से भी अटैकिंग ओवर करा लो, तो क्या ये बहुत गलत आइडिया हो? नहीं, इट्स अ गुड ऑप्शन। हारिस नया बॉल है, देखें तेज बॉलर का पता नहीं होता, अगर आउट के लिए जाएंगे ना तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। रजाक भाई, ये डेफिनेटली करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि हारिस थ्रू आउट देखा जिस इतने मैच हमने देखे हैं, वो जब फर्स्ट चेंज में आता है इतना कामयाब नहीं रहा। सही कह रहे हैं, तो एक दो ओवर करवा देने चाहिए। अगर ये इफ्तिखार के साथ जाएंगे तो फिर डे मैच है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है आमिर, आपको क्या लगता है बांग्लादेश जैसी टीम लेकर पहुंचेगा पाकिस्तान कल, या कुछ चेंजेस करेगा 19-20 करेगा? मुझे लगता है सेम टीम के साथ ही जाएंगे, जो फर्गुसन शायद आए, फर्गुसन नहीं, हमारी जो पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूं, आई थिंक सेम टीम, सेम टीम जाएगी। सेम टीम में मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि आपके पास पांचवा बॉलर जो है वो इफ्तिखार है। इफ्तिखार 5 ओवर कर सकते हैं, मुझे ये पता है कि अगर 5 बॉलर होंगे इफ्तिखार समेत, वो अटैक इफ्तिखार में शुरू से ही कर देंगे, फिर वो फिर 2-3-4 ओवर निकालना मुश्किल। खबर आई है, मुझे नहीं पता सच्चा झूठा, मैंने सुना शादाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे शायद, सुना यही है हमने भी। तो अबरार की चांस बनते हैं या कोई और आ जाएगा? माइट बी। अभी तक मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो ये है कि कल के मैच के लिए तो कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। हाँ, कल के लिए नहीं है ऐसा। अच्छा, बाहर हो गया शादाब, अबरार एलिजिबल तो हो जाएंगे? एलिजिबल तो हो जाएंगे। रजाक भाई, अबरार का इंक्लूजन अच्छा इंक्लूजन हो सकता है ना? इनको 5 दिन पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था। ठीक, जब 5 दिन पहले ले लें, कंसल्टेशन हुई थी उसके बाद उसको कर देना चाहिए था, अबरार को इन कर देना चाहिए। ठीक है, वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच देखने का। दुनिया भर से लोग हमें सवाल भेजते हैं। आस्क एचएमएच का पहला सवाल ये रहा, लिखते हैं तला खान कि माय क्वेश्चन इज टू रजाक सर, आपको लगता है कि शर्जील खान की जरूरत है अभी भी पाकिस्तान टीम को किसी भी एक फॉर्मेट में? आपसे पूछा है। डेफिनेटली हम प्लेयर जाया करते हैं, और अगर उस पर नजर रखी जाती, उसकी लुक आफ्टर की जाती, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अभी भी जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली देखे, जैसे माद हैं, शर्जील है, इन पे इनको अंडर पीसीबी के अंडर होना चाहिए था, अंडर होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इनको चाहिए था कि इनको बिल्कुल लुक आफ्टर करते, इनको तैयार करते वर्ल्ड कप के लिए, तैयार से वर्ल्ड कप के लिए इनको फिर भेजते, दूध खिलाते, मेवा खिलाते, ये करते हैं, तैयार से पालते। बात ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, ये प्लेयरों का इनका फर्ज है लुक आफ्टर करना। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड की आप स्ट्रेटजी देखे ना, इंग्लैंड में जब मैं 2000 में खेल रहा था, तो उनका एक बैट्समैन था टेलर, वो मेरे साथ मिडसेक्स में खेल रहा था। टेलर था यानी काम से टेलर था, नाम से नाम का टेलर, बैट्समैन था, तो बिल्कुल सिंगल पसली होगा। ठीक, तो मुझे किसी ने बताया कि ये 2 साल के बाद इंग्लैंड से खेलेगा। मैंने कहा कैसे? वो छोटी सी। हाँ, और वाकई ही वो जिस काउंटी में जाता था, हमारी ग्रेड 2 की थी, फिर उन्होंने ग्रेड 1 में भेजा उसको, और बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कोच को कि इसको इस नंबर पे खिलाना है, क्योंकि हमने 2 साल के बाद इसको हमने इंग्लैंड में डालना है। इतनी प्लानिंग थी। जी जी, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। और नवे नंबर पे रेहान अहमद के साथ वो सेम कर रहे हैं। उनका सिस्टम उनका ऐसा है, उनका इतना अच्छा सिस्टम, टीम नवे नंबर पे। बात करते हैं इसके बारे में, आस्क एचएमएच। पिछले साल वो जीता भी वर्ल्ड कप, अभी की बात हो रही है, अभी की वर्ल्ड कप फाइनल भी जीते हैं, T20 का भी 2019 का। आखिबुद्दीन का सवाल सड़ रहा है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल तीनों, मैं पेशेंट पढ़ने वाला था, तीनों पैनलिस्ट इंक्लूडिंग ताबिश भाई से है कि ऐसा कोई इंसान जिनसे आप अपनी लाइफ में एक बार लाजमी मिलना चाहते हो और अभी तक नहीं मिले? हाँ जी, कोई ऐसा आदमी नहीं। लायनल मेसी से मिलना चाहते हैं। हाँ जी, रजी भाई को दुनिया में एक ऐसा इंसान जिंदा में जिससे आप मिलना चाहते हो, ना मिल पाए हो। इंसान में मर्द और औरत दोनों आते हैं। मैं क्लियर करूं, इसमें क्या बुरी बात है, कोई तो होगा। देखिए, आइडियल मधुबाला मेरी आइडियल थी, मर चुकी हैं, उनसे मिलने के लिए ठीक है ना, बात मेरी वही थी, बट ठीक भाई, उनसे मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
ठीक है, आप उनसे ही मिलना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। आमिर भाई आप किससे? मेरा क्रिस्टियानो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, मेसी और रोनाल्डो से। वेरी। मैं अपने दोस्त इफ्तिखार से मिलना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से मेरे 25,000 रुपए लेके भागा हुआ है वो, उससे मिलना चाहता हूँ मैं। अगला क्या है दिखाओ। सलाम। For T20 selection, which player would you prefer? A fit, thin player but who is less powerful, hitter, or a fat player who is more powerful, hitter and can hit more sixes at any stage of the match? So would you prefer fitness over skill or skill first? इमाद आपसे start करूँगा। मैंने हमेशा से कहा skill. T20 cricket is for skill, not for fitness. ठीक है, skill ही कहेंगे या fitness ज़्यादा कहेंगे रज़ाक भाई आप? Skill है, जैसे साइम यूम में नज़र आ रही है। वो fitness भी है उसमें, तो यंग बच्चा है। उसमें skill है T20। आप नहीं, मैं साहिब मयूब के बारे में सवाल नहीं, सवाल ये है कि आप प्रेफर फिटनेस को करेंगे। ये मेरे ख्याल से लेट से बाबर, उसकी बाबर कह रहा हूँ, आजम खान की एग्जांपल लेंगे, पावरफुल हिटर है, फिटनेस पे शायद फिटनेस के बगैर कुछ नहीं, लेकिन फिटनेस के बगैर कुछ कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, होता है, फॉर्मेट देखने पड़ते हैं। अब जैसे T20 में आजम का आपका रोल ये है कि आप उसको एज अ कीपर यूज कर सकते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर, राइट? तो उसने अगर बैटिंग में भी उसने 20-25 बोले ही खेलनी है T20 में, कीपिंग वो बहुत अच्छी करता है, तो व्हाई नॉट। इसमें मेरा एक सवाल है, जब जैसे बड़े लोग आजम खान के बारे में बात करते हैं, एक प्लेयर जिसको दुनियाई क्रिकेट पैसे दे के बुला रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है, और टॉप कैटेगरी दे के बुला रही है, तो वो कोई चीज यूजफुल होगी तो दे के बुला रही है, आई मीन तो नहीं बुला। मैं एग्री करता हूं, तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा वो करता हूं एज अ T20 स्पेशलिस्ट कि स्किल नंबर वन है, फिटनेस इज अ बोनस। और वो फास्ट बॉलर भी नहीं है, बैट्समैन कीपर है, सो आई थिंक आपने भी यहाँ सही कह रहे हैं, जैसे वो लिखा हुआ है ना, विच प्लेयर वुड यू प्रेफर, तो सैम यू का नाम लेना जरूरी था। लेकिन भाई सवाल फिटनेस के बारे में अभी तक इन लड़कों ने कहा, बट बात ये है कि अब कुछ यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये ना हो कि वो पढ़ होता क्या है, होता क्या है, ठीक है आप स्किल पे आके खेल सकते हो, लेकिन फिटनेस ये है कि वो आपको 10 साल का करियर दे सकती है। ठीक है, आप स्किल्स पे आओगे, 2-4 मैचेस खेलोगे, इंजरी हुई आप साइड, लेकिन फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप भी 2 बजे रात को ये कहते हैं फिटनेस बहुत जरूरी है, आपको मेरे 2 बजे का स्केड्यूल इतना कैसे पता है? वो नजर आ रहा है ना। अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? रजाक भाई सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मैं सबसे पहले इस्लामी कानून नाफिज करूँ। इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। इमाद आप क्या करें? आचू में मैं खुद ही सिलेक्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छे सच और हक। वाह आमिर आप क्या करें? मैंने कभी सोचा ही नहीं। आमिर कभी सोचा नहीं, तो अभी इन्होंने कौन से ये सोचते रहते होंगे पूरे दिन। हाँ एक एक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, जितना भी मिडिल तबका है, जो वर्कर्स हैं, उनकी पेमेंट्स बढ़ाने की कोशिश करो। पेमेंट बढ़ाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, रजाक भाई आपने अच्छा, और इमाद ने कहा कि आपने सारा कुछ कवर कर दिया ना। सब कवर कर, सारा कवर कर दिया आपने। हाँ वैसे हाँ, चलो अगला चलो। सारा कवर। अच्छा अच्छा, अपना ही बताना मुझे, मुझसे पूछा पहले से पूछा। इस्लामी मुल्क की आगे चलाओ। नहीं अनस सज्जाद, क्या नसीम शाह की गैर मौजूदगी टीम को मुअत्तर कर रहे, मुअत्तर कर रहे, इतर है, मतलब क्या है? मुतासिर लिखा होगा लड़के ने जी, मुतासिर कर रही है रजी भाई, कर रही है वन वर्ड। एक प्लेयर के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली इंपैक्ट प्लेयर्स। अब जैसे फखर आया है, उसके आने से आपको एकदम टीम डिफरेंट हो डिफरेंस नजर आया, तो नसीम के होने से इंपैक्ट प्लेयर था। रजी भाई है फर्क पड़ रहा है? फखर तो पहले भी था, उसको खिला नहीं देते। अरे भाई मैं अब नसीम शाह की बात हो रही है इसमें, वो इन सब बॉलर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट इंपैक्ट बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम है। हमने बड़े बड़े देखे हैं, हम शोएब अख्तर भी नहीं खेले तभी हम जीते हैं, अगर वसीम अकरम नहीं खेले तभी मैच जीते हैं, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी एफर्ट है, आपकी एक दो प्लेयर की परफॉर्मेंस। नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, इज अनदर क्वेश्चन। पढ़ रहा है ये एक अलग सवाल है। हमारी टीम को पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास नए बॉलर ही नहीं है शाहीन के साथ, इसलिए पढ़ रहा है कि हमने कोई तैयारी नहीं किया, हम उसे पिछले 2 साल से खिलाते आ रहे हैं, सच्ची बात। और जब जरूरत पड़ी तो अनफिट हो गया। सही बात है। अगला चलाओ, लास्ट है क्वेश्चन फ्रॉम द पैनल, फॉर द पैनल, फॉलोड सम मैचेस ऑफ पाकिस्तान कप, बट अनफॉर्चुनेट नन ऑफ द प्लेयर्स हैव पोटेंशियल टू रीच टू द नेशनल टीम, ईदर अ बॉलर और अ बैटर, व्हाट इज द रूट कॉज? रेफरेंस कल्चर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कप देख रहे हैं, मगर कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो नेशनल टीम में आ सके। हाँ बोले जी। जब हम फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, रिजी भाई वगैरह तो आई थिंक उस टाइम फर्स्ट क्लास छोड़ने वाले, जब मेरा डेब्यू हुआ 2008 में,
क्योंकि उस टाइम ये होता था कि हमें पता था कि हम फोर डे में वन डे में परफॉर्मेंस देंगे तो मैं कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाऊंगा। ठीक, अभी क्या हो रहा है, अभी सारा फोकस पीएसएल होता है। डोमेस्टिक को मैंने जहां तक देखा है प्लेयर्स इतना सीरियस नहीं लेते अब, क्योंकि पीएसएल की वजह से वहां से, क्योंकि प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कल रजाक भाई भी कह रहे थे टेस्ट मैचेस भी खेले टी ट्वेंटी के प्लेयर और वो वनडे भी खेले हैं, तो वो सारा माइंड सेट जो है ना टूवर्ड्स हो गया है पीएसएल की तरफ। अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही रखे कि वनडे और टेस्ट वही प्लेयर खेलेगा जो टॉप करेगा फर्स्ट क्लास, पीएसएल क्राइटेरिया सिर्फ टी ट्वेंटी के सिलेक्शन के लिए। इंडिया में भी होता है क्या ये रणजी ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई इस तरह? इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, वो कि पहले ये होता था कि डोमेस्टिक से आप इन होते थे पाकिस्तान में जी, अब डोमेस्टिक ना भी खेल लें तो तब ये पीएसएल में इन हो जाते। मैं हाँ वही मैं यही कह वो हो गई इसको इसको मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा इन दोनों की बात, लेकिन इंडिविजुअल का भी कसूर है। हाँ, प्लेयर का भी खुद का कसूर है कि पीएसएल को अगर वो फोकस करते हैं ठीक है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम जब यंग थे, हम जब खेले थे तो हमारा कभी फोकस पैसा नहीं था, पहले हमारा फोकस था कि हम स्किलफुल प्लेयर कैसे बने और टीम में कैसे हैं। लेकिन बात वो ये, यहाँ पे डिबेट हो सकती है ना, क्योंकि हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बना दिया ना पीएसएल, और प्लेयर ऑटोमेटिकली खुद आपने वो क्राइटेरिया दे दिया कि आप पीएसएल में करो, आप लाइमलाइट में आओ। मोहम्मद आरिस कैसे आया, 150 पे, शायद किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा, मोहम्मद आरिस जो विकेट कीपर अभी साथ है वो टी ट्वेंटी पीएसएल के 150 से टीम के साथ है पिछले एक साल से, तो क्राइटेरिया क्या हुआ फिर? जाहिर बात है प्लेयर क्या सोचेगा कि यार ये खेल के बनते हैं, ठीक है आपकी बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा था, आईपीएल होती है दुनिया की सबसे बड़ी लीग, इंडिया में होती है, उसकी वजह से क्या रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई है? नहीं हुई है, वहां क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो यही आमिर वाली बात, वो रणजी ट्रॉफी फोर डे और वन डे से अपने इंटरनेशनल काम में लाया जाए। इनके पास सवाल आते हैं, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा क्या सवाल लाई है? मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, आप तीनों का फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील क्या है? आप लोग फिटनेस कॉन्शियस है। इमाद आपको मैंने एक बार पाए खाते देखा, वो चीट मील नहीं है। वो चीट नहीं, वो चीट मील नहीं है, तो फिर चीट मील क्या है भाई? चीट मील आती खा जाते हैं आप? जनरली सब कुछ खाता हूँ, तो चीट मील कुछ भी आप फास्ट फूड कह लें। ठीक है आमिर, आप तो बहुत मैंने देखा मैं है। हाँ मैं तो अब बहुत आमिर, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा खाया है। चीट मील सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? देखे मोटा करने वाले खाने में मेरी जो वीकनेस है वो मीठा है, लेकिन उसको भी मैंने कम किया हुआ है, कभी कभी फिर जब दिल करता है हफ्ते दो हफ्ते में तो मैं उसको खाता हूँ। मीठा पसंद है? यस। ठीक है रजी भाई, आप क्या खाते? मुर्गे ने चीटिंग है ये आपकी? हाँ मेरा ये होता है तीन चार महीने के बाद दिल करता है, ज्यादा नहीं मैं खाता, लेकिन आपको मुर्ग चने पसंद है? हाँ, प्रोटीन है मुर्ग, मैं खाई भी जाता, मुझे पता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, पता होता है तब भी आप, लेकिन होते मजे के भाई, वो होते तो मजे के। अच्छा भाई और किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सादिया मीन। सादिया सवाल पूछे ना। सर मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, बेसिकली मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन हूँ तो क्रिकेट खेलती हूँ मैं भी, तो मेरा आपसे तीनों से क्वेश्चन है कि हम सेमीफाइनल में जाते हैं अल्लाह करें इंशाल्लाह, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी? आपको क्या लगता है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर एक बार फिर से वही गाना सुनेंगे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? भाई सेमीफाइनल में पहुँच गए, अगर अगर पहुँच गए, सबसे पहला तो अगर लगा हुआ है अभी, अगर अगर पहुँच गए तो क्या वहाँ जाके हम जीते हो जाएंगे? नहीं देखे सेमीफाइनल में पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे आप अगर मगर से पहुंचे चाहे आप इफ इन बट से पहुंचे, एक अचीवमेंट है। हाँ जो हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं हम वो खेले नहीं, लेकिन अगर हम दो मैच अच्छे जीत जाते हैं वो अच्छी क्रिकेट है और टॉप की टीम्स है दोनों, तो उनको हराने के बाद आप क्वालिफाई करें तो एक अच्छी बात होगी। भाई अभी सारी टीम्स फॉर्म में है इंडिया और ये वो हो सकता है कि वो सेमीफाइनल तक अपनी फॉर्म खो जाएं और हम जो आउट ऑफ फॉर्म है वो फॉर्म में आ जाएं, ये क्रिकेट में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा करीब कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जोहेब अली। जोहेब क्या सवाल लाए हो? सवाल मेरा सर आमिर भाई और सर अब्दुल रजाक से है कि आप दोनों की कास्ट गुज्जर है, तो क्या आप भी मैडम नसीबो के गाने पे गुज्जर हुए ऐसे कभी इंस्पायर्ड हुए? नहीं 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 नहीं, मैं राजपूत, मेरी तो नहीं है कास्ट, मैं की नहीं है, मैं राजपूत हूँ। लेकिन भाई चलो वहाँ कास्ट तक कहाँ पहुँच गए, नसीबो लाल पसंद है ये भी आज कर ही देते। मैं असल में गुजर खान से हूँ तो लोग समझते हैं राजपूत हूँ। आपको कैसा लगता है कि अब जैसे अनबीटेबल टीम है इंडिया,
सो उसके अगेंस्ट खेलना कैसा, अब आगे आप क्वालिफाई तो कर जाओगे लेकिन आपको अगेंस्ट इंडिया के खेलना है या बाकी टीमों को अगेंस्ट इंडिया के खेलना है, तो कैसा दूसरी टीमें परफॉर्म करेंगी? भाई जिस तरह आपने सवाल पूछा है उसी से लग रहा है हम कितने तैयार हैं। सुन रहा हूँ टूर्नामेंट जीतने के लिए ना आपको सारी टीमों को हराना पड़ता है, और जो बेस्ट टीम होती है उसको हरा के आप ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो जो वर्ल्ड कप जीतेगा, इस वक्त फिलहाल इंडिया जो है वो बेस्ट टीम है, तो जो डिजर्व भी करेगा ना वो इंडिया को हरा के करेगा। बहुत अच्छी बात है। और इस स्टेज पे जब आप सेमीफाइनल्स में आ जाते हो ना, तो फिर आप पिछला भूल जाते हो कि हम कितने मैचेस जीत गए, हम फॉर्म में थे। फिर वो डे ऑन द डे वाला जो प्रेशर होता है वो दोनों टीमों पे सेम होता है। उस दिन जो कम गलतियां करता है वही जीत जाता है। वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को हराना ही होगा, तभी आपको ट्रू एक फीलिंग आएगी कि आपने जीता है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या रखा हुआ? साद जावेद। साद जावेद, सवाल पूछ ले। मेरा सवाल तीनों से है, अफवाह है कि शाहिद भाई जो है ना वो अभी बनने वाले टीम के सिलेक्टर, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं? इतना हाथ खुजा लिया आपने, बता देना ये आप चूमते हैं इसको, इसलिए हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है, है ठीक है। बात को सुनी है आपने कहीं से? हो सकता है, आज देखा भी है, मीटिंग हुई है उनकी। 50 पॉइंट्स का सवाल है, सुनिए। बता रहे 100। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उसामा। उसामा क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ MSc का। आप स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह, सवाल पूछें। सर मेरा तीनों से क्वेश्चन है कि टीम में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? टीम में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? आमिर है। ये दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं, और आप कौन है? आपकी किससे दोस्ती थी? लाला से दोस्ती थी आप? यस, शायद से ज्यादा थी दोस्ती, लाला से ज्यादा। मैंने सुना है ये सारी खबरें आप लाला को पहुंचाते थे, मुझे पता है जब वो कप्तान थे। ये कैसे पता चला? पता है मुझे, कितने क्रिकेटर्स ने बताया यार, रजी बताता था जाके, हफीज ये कर रहा है, शेख ये कर रहा है। आपका सवाल ही गलत हुआ है। कॉन्फिडेंस जरूरी है गेम में, बता रहे हो कि उन्होंने ये कहा? वो ऑटो आ जाता है ना। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने अपनी एग्जीक्यूशन, जो प्लान्स होते हैं आपको पता था, वो आता है प्रैक्टिस से, फिटनेस से। जब आप फिट होते हो, फिटनेस का मैं क्यों कह रहा हूँ, आपका 50% जो माइंड होता है ना डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपको कहीं ना कहीं निगल हो या आप थक रहे हो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप फिट होते हो तो आप 100% एक चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है। और फिटनेस, हाँ जी, फिटनेस का जो सबसे अच्छी चीज है ना कि जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना, तो आप सोचते ज्यादा बेहतर हो दूसरे अनफिट ले। सही बात है। अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन क्या करते हो तुम? मैं MLD का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, सवाल पूछो भाई। मैं सवाल नहीं है, शेर है अहमद भाई के लिए। छोड़ दो। जानता हूँ कि नहीं हो सकती PCB में दोबारा सिलेक्शन मेरी, फिर भी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाय हाय हाय। रजाक भाई माथे कान में कह रहे हैं, अबे हो तमन्ना मेरी। अगला सवाल, आखिरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम फिजान गुजर। फिजान गुजर, सवाल। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर भाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। मैं आपको तब से देख रहा हूँ, 2008 से, जब आपने कोहली को 2 बॉल बाहर और 1 अंदर एंड कोहली नॉकआउट। अच्छा जी, चले मेहरबानी सर, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि कल के मैच में शदाब खान तो इंजर्ड हो गया, उसकी जगह मैं आ सकता हूँ? भेजो रजाक भाई, आप भेज दे, दूसरे घर में जा सकते हैं आप। छोटे से ब्रेक का, जल्दी लीजिए, हारना मनाया कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाया, प्रेजेंट बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वक्त आ चुका है HMH कप खेलने का, बड़ा सख्त कांटे का मुकाबला चल रहा है तीनों पैनलिस्ट के दरमियान। पहला राउंड 360 डिग्रीज, तैयार है तीनों? सही है। पहला सवाल आ गया,
काराकोरम हाईवे कितने किलोमीटर लंबी है? काराकोरम हाईवे कितने किलोमीटर लंबी है? इमारत से शुरू करेंगे, काराकोरम हाईवे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक जमाने में सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल थी काराकोरम हाईवे। 5000 किलोमीटर। रजाक भाई कभी गए आप काराकोरम हाईवे पे? कितने होगी लंबी? किधर ये है? किधर? माइनस थोड़ी है इसमें। अच्छा? जल्दी से बताएं। 5000 लड़के ने आवाज लगा दी है। 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर बहुत 5000 किलोमीटर होते हैं। हम कर लो 5000 भी ठीक ही है। रजाक भाई आपने, आप तो सफर पे निकल गए काराकोरम हाईवे पे, जल्दी बताएं। रजाक भाई टाइम ही नहीं है। 3500। हाँ जी आमिर भाई काराकोरम हाईवे इतना टाइम मिला, जल्दी बताएं। 5500 किलोमीटर सही जवाब है। 1300 किलोमीटर। रजाक भाई आपका सबसे करीब जवाब था। वेरी वेल डन। रजाक भाई को जितवाने। नहीं नहीं आप तो गेम क्रिकेट बड़ा तालियां सही से बजाया करो यार। अरे आपको बजा ली नहीं, वो स्विच हिट वाली है। रजाक भाई सवाल आ गया, सवाल आ गया। यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बनाए? आमिर से स्टार्ट होगा। यूनुस खान 12000। आपके पास पहले फिर दूसरी मेरा आ गया। अच्छा भाई आप बता दो यार। 10100 का रेट आ चुका है रजाक भाई। 10100 मेरा भाई। 10100 मेरा भाई। 10100 रजाक भाई। 10100 नहीं, एक से नहीं हो सकते। पर कर दो एग्जैक्ट। 10099 सही जवाब है। इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? रजाई है सही जवाब। देखते हैं क्या है। एरन फिंच -10 दोनों के अगला सवाल अभी बताएंगे, वो पीछे से बता देंगे मुझे। अगला सवाल, सूरज से गिर्द घूमने वाले सबसे बड़े सैयारे का नाम। सबसे पहले आपने अलमास। मार्स। आई थिंक सो हो गया सवाल। इन्होंने मार्स बोला है भाई, आप चैलेंज कर रहे हो क्या? नहीं, मेरा कहने का मकसद है सही बात कर रहा हूं। मेरी कैंसिल ही नहीं थी। सुन नहीं नहीं नहीं, चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज कर दे, कर ले, कर दे। अर्थ। अर्थ हां क्या आप भाई चैलेंज कर रहे हो? आई थिंक सो। मैंने जल्दी में बता दिया, मुझे लगता है राइट है। ठीक है दिखाओ बेटा। जुपिटर है -10। अगला सवाल, ईगल आए हैं। दो चेहरे मिक्स होंगे, आपने बताना है। दिखाओ बेटा। सबसे पहले इमारत ने बटन दबाया है। हाँ जी चलो। रवि बपारा आए, दूसरा रह गया जी। दूसरा रह गया जी। रवि और रोहित शर्मा। जल्दी जल्दी 5-4 रोहित और रवि। 5-4-3-2-1 दिखाओ बेटा। रवि पपारा एंड शम्सी जी। यार क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अगला दिखाओ बेटा। आमिर हसन अली और नवाज। हसन अली और नवाज चैलेंज कर रहे हैं कोई? मोहम्मद नवाज हसन अली +10 भी चैलेंज कर रहे हैं। अब आ गया बुलजाए खाके पहचानने। इंटरेस्टिंग खाके हैं, दिखाइए बेटा पहला खाका। मी अब्दुल रजाक कोई चैलेंज कर रहे हैं? नहीं सही कर रहे हैं। सही दिखाएं भाई। रजाक भाई कैच छोड़ा था या नहीं? पकड़ लिया, पकड़ लिया था। नाला नजर आ रहा है आपका। बहुत ज्यादा फिटनेस चेक करें। फिटनेस है भाई, रजाक भाई फिटनेस है। अगला दिखाओ बेटा। हाँ जी माद भाई। वसीम अकरम कोई चैलेंज कर रहे? नहीं दिखाओ बेटा। द ग्रेट वसीम अकरम +10 बड़ा पकड़ा यार। अब वक्त आ चुका है ब्रेक का। खातिनों साहब ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। ताली बजा बेटा।
Ladies and gentlemen, welcome back to Anamanai, presented by Ideas by Gul Ahmed and Sunsil. वक्त आ चुका है आज के विनर को देखने का. देखते हैं आज का विनर HMH कप का कौन है. भारी स्कोर के साथ डॉक्टर अब्दुल रजाक. नहीं और क्वेश्चन रही है, और क्वेश्चन रही है, अभी है रही है. इसको 100 कर देना. अभी 10 हो चुका है. आज के शो में मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की प्रेडिक्शन लेने के बाद एक बोनस सवाल छोड़ूंगा जिसके मैं पॉइंट्स को डिसाइड करूंगा. आज भारी पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो अब कल के मैच की बात करते हैं, फिर बोनस राउंड पे आएंगे. न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, कल का मैच डू और डाई है. योर विनर इमाद. पाकिस्तान. पाकिस्तान. हे मैच जीती पाकिस्तान. 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 कल लगता है बाबर सेंचुरी मार सकते हैं. कल स्टेज सेट है उनके लिए. बड़ा मैच. डू और डाई सिचुएशन. इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 पे भी सेंचुरी, बड़ी सेंचुरी मारी है. ये आज भी कल भी इंशाल्लाह सेंचुरी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. रजाक भाई, बाबर से उम्मीदें. देखिए पाकिस्तान की वो सबसे मेन बैट्समैन बैकबोन है और अब्दुल्ला शफीक और फखर पे डिपेंड करता है कि बाबर को कैसा प्लेटफॉर्म देती है. इंशाल्लाह. हाँ जी आमिर भाई. आई थिंक फखर का खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है. जैसे बॉलिंग में शहीन है, शहीन का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होगा फर्स्ट स्पेल, क्योंकि बांग्लादेश के गेंस भी देख लें, उसके पहले स्पेल में उसने 2 आउट किए तो हमने 200 पे आउट किया. इन दोनों का इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी. इंशाल्लाह कल पूरी उम्मीद पाकिस्तान के साथ है. आ गया है वक्त बोनस राउंड खेलने का. एक सवाल पूछूंगा, उस एक सवाल के जवाब के आपको मिलेंगे, बजर राउंड है, 50 पॉइंट्स. ठीक है, 50 पॉइंट्स और माइनस नहीं होंगे, लेकिन बजर दबाना है. ठीक है, सवाल आएगा स्क्रीन पर, दिखाओ बेटा. यूनान का दारुल हुकूमत क्या है? यूनान यानी ग्रीस. मुझे नाम नहीं सही आता, ए से शुरू होता है यार. भाई से ना बोले, कोई नहीं बोले. एथियम कुछ, मुझे ऐसे, मुझे ए से शुरू होता है. अच्छा आप तीनों को मैं एक और लीवे देता हूं, जो सबसे पहले गूगल करके बता देगा मैं उसको जवाब पॉइंट दे दूंगा. ग्रीस का कैपिटल. ग्रीस का कैपिटल. ग्रीस का कैपिटल. जल्दी काउंट डाउन. कैपिटल ऑफ ग्रीस. 9. एथेंस. एथेंस सही जवाब. इमाद एथेंस. मैंने बोला था ना यार, ये तो गलत बात है यार. 50 पॉइंट इमाद वसीम. क्या कह रहे हो? हाँ चलो भाई, बड़ा वक्त है कल पाकिस्तान के मैच का. आपको पता है कल सबसे जरूरी क्या है? दुआ. हाथ खड़े कर ले, खड़े कर ले, खड़े कर ले. अल्लाह मियां, कल पाकिस्तान को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, पाकिस्तान को कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फतह दिलवाए. न्यूजीलैंड वालों के लिए भी दुआ करें. अल्लाह मियां, वो होटल से हाथ में बॉल ना आए, होटल से ना आए, कल उनके हाथों में बॉल ना चढ़े, उनके बैट ना पकड़े जाएं, उनको क्रिकेट भूल जाए. आमीन. अल्लाह मियां, बस हो जाए कल. है सवा दिन आजाद, कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह. मैं सच बता रहा हूं, कल पाकिस्तान की फतह के बाद. हर नमन आए में दोबारा मुलाकात होगी. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.